नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंच दिवसीय त्योहार आ गए हैं, जो कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक मनाया जाता है। ये महीना त्योहारों का महीना है। हर रोज नित नए त्योहार इस महीने में आते हैं। धनतेरस बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, तो आज हम आप सभी को धनतेरस की जानकारी देंगे कि धनतेरस कब मनाया जाएगा, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, इस दिन पूजा करने का समय और खरीदारी करने का शुभ समय क्या होगा, और कौन कौन सी चीज़ें हमें धनतेरस पर खरीदनी चाहिए। ये सभी जानकारी लेने से पहले, अगर आपने हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें, ताकि सभी त्यौहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दीपों के महा उत्सव का त्यौहार आने वाला है। अब तो सब घर में दिवाली की तैयारी शुरू हो गई होगी। इस महा उत्सव, पंच दिवसीय महा उत्सव के त्यौहार में सबसे पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन धन्वंतरी भगवान और गणेश जी, लक्ष्मी जी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। आप लोग इस दिन धन्वंतरी देव की अवश्य पूजा करें, जिससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। हमारे पंचांग के अनुसार 2024 में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर दिन मंगलवार के दिन सुबह में 10:32 पर त्रयोदशी तिथि शुरू होगी और 30 अक्टूबर को दोपहर में 1:15 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा का महत्व प्रदोष काल में होता है, इसीलिए हम सभी लोग 29 अक्टूबर दिन मंगलवार के दिन ही धनतेरस मनाएंगे। धनतेरस तिथि पर खरीदारी का बड़ा महत्व है। इस दिन सोना, चांदी, पीतल, तांबा के साथ खरीदारी के साथ झाड़ू का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि झाड़ू को भी लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर की उन्नति होती है और सभी प्रकार की आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा इस दिन आप लोग हल्दी की गांठ, कौड़ी, नमक, ये सब चीज़ें अवश्य खरीदें। इस दिन खरीदारी करने का शुभ समय है 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को 10:32 से लेकर 12:13 तक अमृत काल का समय होगा। इस समय में आप अगर खरीदारी करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त है, जो कि मंगलवार के दिन दोपहर में 11:45 से लेकर 12:32 तक है। ये समय भी बहुत ही शुभ माना जाता है खरीदारी के लिए। आप इस शुभ समय में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर राहु काल से बचें। राहु काल में किसी भी प्रकार की खरीदारी पूजा ना करें। मंगलवार के दिन राहु काल का समय है दोपहर में 3 से लेकर 4:30 तक। इस अवसर पर, इस समय पर आप ना ही किसी भी प्रकार की खरीदारी करें, ना ही पूजा करें। इस धन त्रयोदशी के दिन प्रदोष बेला में पूजा करने का बड़ा महत्व है। धन त्रयोदशी के दिन प्रदोष बेला यानी शाम के समय पूजा करने का शुभ समय है 6:31 से लेकर शाम को 8:12 तक। ये बहुत ही शुभ समय है। इस शुभ समय में आप खरीदारी पूजा सब कर सकते हैं, तो आपको 13 पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। धनतेरस के दिन पूजा विधि बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले एक पीढ़ा, हम लोग तो पीढ़ा बोलते हैं, एक लकड़ी का पीढ़ा या पट्टा पर पीला कपड़ा बिछा दें और फिर चावल को भी हल्दी से पीला कर दें और उस पट्टे पर 4 एक एक मुट्ठी चावल रख दें और उस चावल के ऊपर
पान का पत्ता रखें और उसके बाद से सबसे पहले धन्वंतरी जी को, फिर गणेश जी को, लक्ष्मी जी को और तब कुबेर जी को, ये चारों देवताओं की स्थापना करें, उनकी विधि विधान से पूजा करें, धूप दीप और पीली मिठाई चढ़ाएं, दूध से बनी हुई पीली मिठाई इस दिन सबको चढ़ाएं और वहीं पर बैठकर अगर आप मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो मंत्र का जाप करें और 13 त्रयोदशी, धन त्रयोदशी को 13 नंबर का बड़ा महत्व है, तो इसलिए इस दिन 13 दीप जलाएं और भगवान को अर्पित करें और उसी दीप को अपने घर के चारों तरफ रख दें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र का मंथन हुआ था तो इस दिन अमृत का कलश लिए हुए धन्वंतरी जी प्रकट हुए हैं, तो इस दिन धन्वंतरी जी का जन्म दिवस है और इन जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अगर आप धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं तो आपको आरोग्य का वरदान प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके अलावा गणेश जी का पंचदिवसीय त्यौहार में सभी दिन पूजा किया जाएगा, धन त्रयोदशी से लेकर भाई दूज तक सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी, उसके बाद ही अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाएगी और लक्ष्मी जी की तो पूजा सभी करते हैं। इसके बाद कुबेर जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, आप उनकी पूजा अवश्य करें। आप और आपके परिवार को इस धनतेरस आरोग्यता के साथ साथ सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ प्रस्तुत होंगे। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।